अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आई है या आपको इंटरव्यू के कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपने इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन करके जानी है, कैसे ड्रेसअप होकर जाना है, तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानेंगे। पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ लेने हैं, कहीं घूमना हो गए हो उसमें आपकी मैट्रिक की आपकी जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, इंटरमीडिएट की, बैचलर की, अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, मतलब जो जो आपने डिग्रीज कंप्लीट की हैं तो सारी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आपका कहीं पर एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पर काम किया हुआ है, तो उनके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपने साथ लेके जाने हैं, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स आपने मुकम्मल कम्प्लीट करने हैं। और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपने एक अच्छी सी सीवी वो बनानी है जिसपे आपके सारे डिग्रीज लिखी होंगी, जिसपे आपका एक्सपीरियंस लिखा होगा, तो ये सारी चीज़ें जो आपके पास होंगी तो आपने वो सीवी को अच्छे से डिज़ाइन करके लेके जाना है। और ऐसा कीजिएगा कि सीवी को किस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीवी को प्रेजेंट करने के लिए आप एक फाइल या ट्रांसपेरेंट फाइल उसके अंदर सीवी रखें, तो इस तरीके से आप सीवी को लेके, सबसे जो अहम बात है कि आपने सीवी को अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स में नहीं रखना, ये ना हो कि आप सीवी को बाकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर घुसाया हो और जब आप जाएँ इंटरव्यू के लिए आप उनके सामने अपनी फाइल रखें और वो आपके सीवी ढूंढते रहें कि आपका सीवी है कहाँ। तो सीवी को आपने एक अलहदा ट्रांसपेरेंट फाइल में लगाना है, जस्ट ऊपर से सीवी आपकी नज़र आ रही हो, ट्रांसपेरेंट का पता है जिससे ऊपर से चीज़ नज़र आ रही होती है, तो उसमें आपने सीवी को उसमें लगाना है। और एक और ट्राई करनी है कि सीवी आपकी ब्लैक एंड वाइट होने की बजाय कलरफुल सीवी हो, क्योंकि एक इंसानी साइको ये है कि कलरफुल जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। और सीवी की बैक पे या फाइल के अंदर आपने कोई अच्छा सा परफ्यूम लाजमी कर लेना है, जैसे ही इंटरव्यू लेने वाला उस फाइल को खोले तो आपकी बोलने से पहले आपकी महक उस तक पहुंच जाए। तो ये सारी बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें, मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन आपके ये इंप्रेशन को बहुत अच्छा बिल्ड करती हैं और आपको किसी भी जॉब में जाने के लिए बड़ी हेल्प आउट करती हैं। ये सारी चीज़ें अब होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर, आपके सीवी क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग के इंटरव्यू के बारे में। अब आप जैसे पहले बात यह है कि आपने ड्रेसअप कैसे होना है वो मैं आपको मामूली सी चीज़ें बता देता हूँ कि आपने ड्रेसअप कैसे होना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जितना ज़्यादा सिंपल दिखने की कोशिश करें उतना ज़्यादा बेटर है। ये नहीं कि आपने मुख्तलिफ कलर की, मतलब ख़वातीन जो ज़्यादातर हैं वो डार्क लिपस्टिक लगा ली है, बड़ा मेकअप, ब्राइडल सा मेकअप कर लिया है, तो आपने किसी मेहंदी वलीमा शादी के चक्री में नहीं जाना। मेकअप भी बड़े डिसेंट होते हैं, तो आपने इंटरव्यू वाला जो हल्का फुल्का जो भी लाइट है वो करके जाना है। और बॉयज़ आपने भी अच्छा संवर के जाना है, अगर आपकी दाढ़ी शाड़ी है तो उसको आपने उसको शेव करके जाना है, और अगर अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो उसको भी अच्छे से वेल तरीके से उसको अपर वे कर ले, ये ना हो कि दाढ़ी आपकी उलझी हुई हो और उसमें घट्टा हो और उसमें किनके फंसे हुए हों, तो ऐसे नहीं जाना। तो उसके लिए आपको बड़ा एक तरीके के साथ बैंक में जाना। और जो गर्ल्स हैं वो कुछ भी अच्छा सा शलवार कमीज वेयर कर सकती हैं, वो अच्छी सी पेंट शर्ट वेयर कर सकती हैं, लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स को ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि गर्ल जो पेंट शर्ट अगर पहनी है तो पेंट शर्ट में बॉयज़ के लिए ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि गर्ल्स कम पहनती हैं, पाकिस्तान का कल्चर कुछ इस तरीके का है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ध्यान रखना है कि आपने ऐसी पेंट शर्ट पहनी है, मतलब जो बैंकिंग जो प्रोफेशनल्स के मुताबिक हो, ये ना हो कि वो बॉयज़ ने वो रैपिंग वाली टी शर्ट पहनी हो और जिसके ऊपर बड़ी सी पियानो बनी हो, सिद्धू मूसे वाला बना हो, या कोई भी सिंगर की तस्वीर बनी हो, किसी पेट की तस्वीर बनी हो, तो ऐसी आपने टी शर्ट्स नहीं पहनी, गर्ल्स ने भी और बॉयज़ ने भी। और उसके साथ आपने नैरो जीन्स वगैरह नहीं पहनी, चाहे गर्ल्स ने चाहे बॉयज़ ने, तो आपने ये भी प्रेफर नहीं करना कि हम नैरो जीन्स पहन के जाएं और आप बड़े स्टाइलिश से जोगर बूट पहन के जाएं, वो डिस्को वाले बूट पहन के जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिंपल लुक बनानी है और डिसेंट लुक बनानी है। और मैं बॉयज़ के लिए बता देता हूँ, बॉयज़ को ये प्रेफर करना चाहिए हमेशा वो शर्ट पहने जो बिल्कुल प्लेन शर्ट हो, उसमें कोई वो लाइनिंग वाली शर्ट ना हो और कोई भी लाइट सा कलर हो, लाइक आप बिल्कुल लाइट में आप लाइट ब्लू पहन सकते हैं, आप वाइट पहन सकते हैं, आप बिल्कुल लाइट पिंक पहन सकते हैं, आप बिल्कुल लाइट पैलेट ग्रीन पहन सकते हैं, लाइट बिल्कुल लाइट कलर, या जैसे मेरी वो दीवार पे कलर है आप इस तरीके के कलर पहन सकते हैं। तो जितना हो सके आपने लाइट कलर पहने हैं ताकि आपकी एक डिसेंट लुक लगे। और हाथों में आप मुंदरियाँ, कड़े, रिंग्स वगैरह ये चीज़ें नहीं पहननी, इससे आपकी पर्सनैलिटी का बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है।
तो क्योंकि इंटरव्यू वाले ने आपके बोलने से पहले आपकी लुक को देखना है और आपका फर्स्ट इंप्रेशन जज करके आपको जॉब की ऑफर करनी है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी ड्रेसिंग। अब इंटरव्यू में उन्होंने क्या पूछना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक सिंपल बैचलर पास हैं, बीए पास हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इंटरव्यू पूछने वाला भी आपको जानता होगा कि आप बीए पास हैं, इसलिए आपको बैंकिंग का नॉलेज नहीं हो। वो आपसे जनरल ही क्वेश्चन पूछेगा लाइक आप बैंक्स के बारे में क्या जानते हैं, बैंक्स में क्या काम होता है, बैंक्स में एटीएम मशीन होती हैं तो एटीएम मशीन किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, बैंक्स में कस्टमर्स के साथ क्या रवैया होना चाहिए, जितने भी जनरल क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछेगा। तो आपने उसके जो जनरल और जो प्योर और सच्चे आंसर हैं जो आपके दिल में आते हैं, आपके दिमाग में आते हैं, आपने वही बोलने हैं। लंबी लंबी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जहाँ जहाँ पे आप सब समझ जाएंगे मैं बहुत काबुल हूँ लंबी छोड़ दूंगा, तो तब भी आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद अपने आप को फंसा लेंगे। इसलिए जितने आप सिंपल रहेंगे उतने आपका जो इंटरव्यू है वो इजी होगा। ये पहले पहले मैं भी ये समझता था कि मतलब अपनी तरफ से अगर बंदा बड़ी 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 फिल्में छोड़ेगा और कहेगा कि मैं तो ऐसे कर लूँगा, मैं अगर इस फील्ड में आया मैं तो छा जाऊँगा, मैं तो बैंक के जो सीईओ हैं उसको भी काट दूँगा, मैं तो पता नहीं बैंक का मालिक बन जाऊँगा, लंबी लंबी छोड़नी नहीं चाहिए, जितनी ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक बातें करनी चाहिए। फिल्मी बातें फिल्मी होती हैं और रियलिस्टिक बातें रियलिस्टिक ही होती हैं। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है जो मैंने भी सीखी हैं और आप भी इसको अप्लाई कीजिएगा। और बाकी जिनकी बिज़नेस डिग्री है तो जाहिर सी बात है उनसे कुछ बिज़नेस के मुताबिक क्वेश्चन किए जा सकते हैं और वो जनरल से क्वेश्चन होंगे जो आपने पढ़े होंगे, तो आपने उनका सिंपली आंसर कर देना है। तो इंटरव्यू में कुछ यही बेसिक बातें होती हैं और जब आप इंटरव्यू करके निकलें, सारी जो सच सच बातें बताने के बाद निकलें, उनको थैंक यू करें बड़े अदब के साथ, मुअद्दब तरीके से उस रूम से बाहर निकलें, और उसके बाद मज़ीद अब आपको बाकी चीज़ों के लिए कॉल आ जाएगी। और बाकी आपको कॉल आने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, आपको मज़ीद आगे भी बता देंगे अगर आपने बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन कर लिया है तो बैंकिंग सेक्टर में आपने काम कैसे करना है, कैसे सीनियर्स मैनेजमेंट को लेके चलना है, कैसे कस्टमर्स को डील करना है, ये सारी चीज़ें ये भी आपको इसी चैनल से पता लगेंगी। तो उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल आपको असल में सच में मोटिवेशन देने वाला है। सिर्फ मोटिवेशन हम बातों से नहीं देते बल्कि आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी वाली चीज़ें बताते हैं, आपको ये जो हकीकी चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं। तो बाकी उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो सिर्फ यही थी, वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।